शिवपुरी में न्यू ब्लॉक में स्थित एमपीतिथि इस कैफ़े को संचालित कर रही हैं शिवपुरी की बेटी। आपको बता दें कि शिवपुरी शहर में जब कैफ़े शुरू नहीं हुए थे तब से वह इस कैफ़े को चला रही हैं और उन्होंने एमपीतिथि के नाम से यह कैफ़े खोला है। एमपीतिथि के नाम से यह कैफ़े खोलने का मकसद उनका यही था कि एमपीतिथि शिवपुरी का कोड है और एमपीतिथि के नाम से इस कैफ़े को मशहूर किया जाए और शिवपुरी के नाम को भी लोग बाहर वाले जानें। वहीं इसका संचालन शिवपुरी की बेटी आंचल सक्सेना कर रही हैं। शिवपुरी में कैफ़े संचालक अभी तक जितने भी पाए गए थे वो है पुरुष पाए गए थे, लेकिन शिवपुरी की बेटी इसको संचालित कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल सक्सेना है। ये आप जो कैफे संचालित कर रही हैं, संचालन कर रही हैं, इसका एमपीतिथि नाम रखा है, किस उद्देश्य से आपने ये नाम रखा था? एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि शिवपुरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि इससे इस समय से पहले कोई भी कैफे नहीं, तो हम ये सोच रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग फैमिली सभी सोच रहे थे कि अगर अपन एक कैफे संचालित भी करें तो शिवपुरी में उसका क्या नाम होना चाहिए, अगर कोई उसको सुने भी उसको बहुत फैमिलर लगे और एक फेमस हो जाए उसका नाम। तो हमने थोड़ा सोचा और देखा कि उसका नाम अपना शिवपुरी के कोड से ही रखा जाए, तो लोगों को ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और अपना शिवपुरी भी इसे रिप्रेजेंट होगा, इसलिए हमने इसका नाम एमपीतिथि ही रखा। कैफ़े में किस तरह के प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ? हम कैफ़े में साउथ इंडियन फूड है, इटालियन, चाइनीज़ और इंडियन फूड भी हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ स्पेशल कुछ फूड है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? यहाँ पर अपने यहाँ पर अभी साउथ इंडियन फूड में हम एक मैसूर चीज़ डोसा लेकर आए हैं शिवपुरी, जो अभी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरी शिवपुरी में, सबसे बेस्ट डोसा है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अलग होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी फेमस भी हो गया है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। ये आपने पूरा ओपन रखा हुआ है, ये इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, क्या उद्देश्य इसका, मतलब कि ओपन दिस इज़ अ रूफटॉप कैफे, तो इसको किस तरह से अपन डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक है आजकल का यूथ पूरा एक सेल्फी पॉइंट पसंद करता है कि उनको कुछ ऐसी डेकोरेटिव जगह मिले कि उनको जहाँ पर फोटो क्लिक कर पाए वो लोग, तो हमने थोड़ा इसको झालर से कुछ लाइट से इसको हमने डेकोरेट किया जिससे कि लोग इसको ढंग से क्लिक कर पाए, इसका व्यू ऐसा इतना प्यारा बन जाए इससे कि कैफ़े पे भी रूफटॉप कैफ़े पे आने में भी लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, कितना समय हो गया इस कैफ़े को और क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको अभी तक? अभी तक का समय ये है कि हम पहले एक अलग जगह पे थे, तो हमने यहाँ का शिफ्ट किया है इसको, तो अभी इसको यहाँ वैसे हमारे एमपीतिथि इस कैफ़े को लगभग 3 साल हो गए हैं और हमें यहाँ पर नई जगह पर आए हुए अभी तक 8 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक का रिस्पांस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है और हम आगे भी यही चाहेंगे कि आगे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। अच्छा, शिवपुरी में अन्य जब आपने खोला था तब भी मुश्किल से कोई कैफ़े नहीं था? लगभग सिर्फ होटल्स थे, कैफ़े एक भी नहीं था, बेकरीज थी जो कि आप सभी जानते हैं वो बेकरीज के नाम, और जब हमने कैफ़े स्टार्ट किया तब जाकर आगे और भी लोग इससे इंस्पायर हुए, उन्होंने सोचा कि शिवपुरी में भी और भी कैफ़े खुल सकते हैं, डेवलप हो सकती है शिवपुरी, तो उन्होंने कैफ़े ओपन करे। अच्छा, अभी तक जितने भी कैफ़े देखे गए हैं तो उनमें महिला का संचालन का होना नहीं पाया गया, आप मतलब महिला या पहली हो कि कैफ़े का संचालन करते हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे महिला सशक्तिकरण को लेकर या अन्य महिलाओं को लेकर? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि एक महिला और एक लड़की कोई भी फील्ड में आकर काम कर सकती है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी उसमें। यहाँ पर जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि जब से मैं यहाँ बैठना शुरू किया है और जब से मैंने संचालित किया है, मोस्ट प्रोबेबली लड़कियाँ भी आराम से 10-10 बजे अपने घर पर बैठती हैं, इवन मुझे बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि हम अपने घर पर हम बता कर आते हैं कि वहाँ दीदी बैठती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं, इतना ट्रस्ट है उन लोगों का हमारे ऊपर और उनकी फैमिलीज भी उन्हें आराम से भेज देते हैं एनी टाइम, तो ये हमें और अच्छा लगता है और हम चाहते भी यही हैं कि वो आगे और भी लड़कियाँ आएँ जो कैफ़े और भी और फील्ड में काम करें इसमें आके। सुनील रजक, न्यूज 18, शिवपुरी।